वेलकम टू आवर YouTube चैनल ब्लॉग आउट की दुनिया और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप कई बार कुछ लोगों को देखते हैं होंगे कि उनकी स्किन एकदम से ग्लो कर रही है, ग्लॉसी स्किन हो रही है, तो वो कैसे हो सकती है। देखिए मेरी भी स्किन पर कुछ प्रोडक्ट, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं कोई मेकअप नहीं है मेरी स्किन पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है, साथ ही साथ लिपस्टिक लगाई है और आईलाइनर लगाया है, इसके अलावा कोई भी मेकअप मैंने यहाँ पर नहीं किया है। तो दोस्तों आप चाहते हैं अगर ग्लॉसी स्किन पाना, ग्लास जैसी जो चमकती हो, जिस पर जरा भी रोशनी पड़े तो वो बिल्कुल एक कांच की तरह चमचमाने लग जाए, तो वो आप दो तरह से करवा सकते हैं। पहला तरीका ये कि मार्केट में बहुत सारे फेशियल ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप ग्लॉसी फेशियल करवा सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, आप लंबा ट्रीटमेंट ले सकते हैं उस तरह के स्किन पाने के लिए, लेकिन उसमें आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। आज मैं आपको मुफ्त का एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लॉसी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे मुफ्त में और ग्लॉसी स्किन कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये श्योर करना है, मैं जो भी आपको तरीके बताती हूँ आप उसी तरह से इन चीजों को अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि हमने तो ये किया था पर वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको एज इट इज जैसे मैं बताती हूँ वैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले आज जो मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ उसको आपको लगातार 7 दिनों तक अप्लाई करनी है। 7 दिनों तक उस होम रेमेडी को आप अप्लाई करते हैं तब जाकर आपको वो ग्लॉसी यहाँ पर लुक आएगा। साथ ही साथ जब आप होम रेमेडी का प्रयोग करें तब आप केमिकल युक्त चीजों का कम से कम प्रयोग करें। आप अपनी फेस पर अगर केमिकल, कोई हाई केमिकल क्रीम लगाते हैं तो कम से कम उतने टाइम तक, जब तक आप होम रेमेडी का कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम उतने टाइम तक के लिए आप उन चीजों का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम होम रेमेडी भी ट्राई करते हैं, मार्केट से लाई हुई क्रीम को भी ट्राई करते हैं, तो फिर वो खिचड़ी पक जाती है, जिससे ना मार्केट की क्रीम का आपके फेस पर असर दिखेगा ना होम रेमेडी का। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप या तो होम रेमेडी का उपयोग कीजिए या फिर आप मार्केट से ली गई चीजों का उपयोग कीजिए। और याद रखें, अगर आप फेशियल करवा कर घर पर आए हैं, अगर आपने किसी तरह का फेशियल कराया है उसके बाद आप ये होम रेमेडी ट्राई करते हैं तो ये भी गलत होता है। एक साथ हमारे फेस को बहुत ज्यादा चीजें अगर हम देते हैं तो हमारी स्किन भी है ना कंफ्यूज हो जाती है कि उसको क्या करना है, उसको कैसे दिखना है। तो आप ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप मार्केट से फेशियल करवा कर आ ही गए हैं तो आप उस फेशियल को कुछ दिनों तक चलने दीजिए, उसके बाद उसे लंबे टाइम तक बरकरार रखने के लिए होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल होम रेमेडी पे हैं तो आप होम रेमेडी ही ट्राई कर अपने स्किन को निखार सकते हैं, उसको क्लीन बना सकते हैं, उसको चमका सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आज की होम रेमेडी क्या है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून के लगभग, यहाँ पे लिया है मैंने बेसन। बेसन जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये आपकी स्किन में एक नई जान डाल देता है। आप बेसन से फेस वॉश भी कर सकते हैं, पहले के लोग साबुनों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो बेसन या फिर आटे से ही अपने फेस को वॉश करते थे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। इस होम रेमेडी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है बेसन। मैं आज ऐसी कोई भी चीज नहीं बताऊंगी जिससे आपकी स्किन पर रिएक्शन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है बेसन, और इसके बाद यहाँ पर ये है गुड़। गुड़ का क्रश किया हुआ गुड़ है, जो गुड़ होता है वो आपके स्किन में नई जान डाल देता है, आपकी स्किन को पील करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में जो है अच्छे से शाइन लाता है और डेड स्किन को निकालता है और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही साथ वाइटनिंग का भी काम करता है। ये बहुत ही अच्छी आपके स्किन को गोरा रंग देता है, आपके पूरे टेक्सचर को चेंज कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगी गुलाब जल। गुलाब जल जो है आप जानते ही हैं कि वो आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, साथ ही साथ अगर आपको दाने की प्रॉब्लम है, फेस पर मुहासे आ रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए गुलाब जल बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं गुलाब जल इतना लूंगी कि ये जो पेस्ट है ये अच्छे से रेडी हो जाए। इस तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन तीनों चीज़ों को, काफ़ी आसान सी प्रोसेस है ये, समय बिल्कुल नहीं इसमें वेस्ट होता है,
तो आप इसे गुड़ ज़रूर अगर आपके यहाँ डला है तो उसको थोड़ा सा आप कूट कर एक डब्बे में भर कर रख लें, क्योंकि गुड़ वैसे भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको बहुत सारे फेस पैक मैं ऐसे बताऊंगी जिसमें आप गुड़ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही अलग सा निखार आता है। चलिए मैं इसको अप्लाई कर दिखा। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि आपकी स्किन क्लीन है, स्किन पर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। खास तौर पर ये नोज का जो एरिया होता है यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही एरिया होता है जहाँ पर डस्ट जमती है और साथ ही साथ यहाँ पर गंदगी होने के कारण आप होम रेमेडी जो भी ट्राई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लगाते हैं तो भी ज्यादा असर नहीं होता है। तो इसलिए आप ये वाले पोर्शन को जब भी क्लीन करें तो ये वाले पोर्शन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर ले। लिप्स पे मैं अप्लाई नहीं करूंगी इसलिए लिपस्टिक को मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ। इस तरह से मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब आपको दिखाती हूँ इसे अप्लाई करके। ये जो होम रेमेडी है इसे मैं अप्लाई कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसे अप्लाई करें। आप ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश नहीं तो आप उंगलियों की मदद से इसे अप्लाई कर लें। बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देता है, ग्लॉसी स्किन ये आपको प्रोवाइड कराता है। इस तरह से आप इसे अच्छे से लगा लें। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बेसन फेस वॉश की तरह भी इस्तेमाल करता है, तो वो लोग भी फेस वॉश की तरह से इस्तेमाल करें और कम से कम आप 7 दिनों तक रेगुलर इस जो होम रेमेडी है उसका इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग सा है आएगा। इस तरह से आप इसको पूरे फेस पर कवर कर लें। देखिए मैंने पूरे एरिया पे इसको अच्छे से कवर किया है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपकी आंखों में अंदर चले जाएगी तो नुकसान करेगी या कुछ भी। तो इस तरह से आप इसको बेझिझक होकर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। देखिए मैंने इसको अप्लाई किया है अच्छे से। आप चाहे तो इसे गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ईयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से इसे अप्लाई करें और 20 मिनट्स तक के इसे लगे रहने लें। आपको 20 मिनट्स के बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए मैंने फेस को वॉश कर लिया है, आप मेरे फेस पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्लॉसी सा मेरा फेस चमक रहा है। और कुछ और नहीं अप्लाई किया है, साबुन से मैंने फेस को वॉश नहीं किया है, ना ही कोई फेस वॉश का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा निखार आया है, वो भी चुटकियों में। अगर आप ये होम रेमेडी लगातार 7 दिनों तक ट्राई करते हैं तो आपकी स्किन में जो चेंज आएगा ना आप देखकर दंग रह जाएंगे। एक बार ये होम रेमेडी को ट्राई जरूर करिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे मैं। नमस्कार।